हाँ हेलो हेलो। हाँ बाबू। हाँ हेलो। भेजा अब देखिए बाबू, अब देखिए। हाँ अब ठीक आ रहा है। हाँ सारे को इन्फॉर्म कर दीजिए, अब ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही है। ओके सारे को आ जाइए, तो सारे को आ जाइए, सारे को आ जाइए। हिंदी सॉन्ग्स एकेडमी, क्या नाम सब रखे हैं। हाय सर, हेलो बाबू। फिर घूम रहा है, नौकरी में रहा है। बाप का है इसका नाम, हाँ क्या हो रहा है, ये बाप का रोजगार देख सुना उसको कैसे करेंगे। अपना आप मोबाइल में चलाइए ना, अपना नेट से मोबाइल अपना नेट से चलाइए। हाँ अब ठीक है बाबू, बस रिप्लाई कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग प्रसून, ठीक है बाबू। हाँ आगे बढ़े, सारे आ चुके हैं, रोहित भी आ गए, प्रसून, यस सर, हाँ आदित्य, कंटिन्यू सर जी। ओके अब ठीक है। हाँ देखिए बाबू, सारे को आप लोग बहुत सारे को इन्फॉर्म कर दीजिए, सारे को इन्फॉर्म कर, लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, सारे को इन्फॉर्म कर दीजिए बाबू, सारे को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम लोग 5 चैप्टर कॉलेज में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास टोटल है 7 यूनिट पढ़ने हैं, 7 यूनिट है, जिसमें 2 यूनिट हमारा बचा हुआ है। 2 यूनिट है बचा हुआ है, तो एक है छठा यूनिट है, 6th यूनिट कंक्रीट, आपका कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, यूनिट 6 है कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, तो लिखिएगा कंक्रीटिंग इक्विपमेंट यूनिट 6 कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। ओके बाबू लिखिए, बाबू मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जितना सोच भी नहीं सकते होंगे, बिल्कुल नहीं सोचे होंगे, उतना चीज बताने वाला हूं, आपको उसका अंदाजा नहीं है, बहुत कुछ बताने वाला हूं। बस आप लोग एक काम करें, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, रेड जो होगा बटन होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लाइक कर लीजिएगा, समझ रहे ना, ये कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं एकदम सर जी। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले बाबू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मैं आप लोग मेरे से पहली बार मुलाकात हो रही है, यहाँ मिल रहे हैं, और पहली बार मिल रहे हैं तो ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, बहुत कम ही बच्चे हैं जो मुझे जानते होंगे, सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, बाय नेम जानते होंगे, लेकिन आज लाइव देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कोरोना का, यानी कोरोना हम लोग का मुलाकात करवा दिया, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, अच्छा जानते हैं, चलिए वेरी गुड, थैंक यू बाबू। हाँ तो देखिए हम कुछ बताने चाह रहे हैं, हम थोड़ा पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद चर्चा करो, और आपका डेली क्लासेस होगा, अभी इतना अच्छा पैकेज देने वाला हूँ बाबू, आप जिंदगी भर याद रखिएगा, इतना बढ़िया चीज, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ा देते हैं, इसके बाद हम बहुत कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, आपको इसका अंदाजा नहीं है, सिर्फ आप सुनते रहिए, आपको पहले हम थोड़ा क्लास ले लेते हैं, इसका थोड़ा हम भी रनिंग में आ जाएंगे तो आपको मजा आएगा। ओके तो हमारा क्या है, पहले चैप्टर में घुसते हैं, इसका बताता हूँ, तो सबसे पहले क्या, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट,
तो आप जानते हैं कंक्रीट इक्विपमेंट मतलब क्या है। सबसे पहले हम कंक्रीट को डिफाइन करते हैं। हम बाबू बहुत बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, हम डिस्कशन करने वाले हैं सारे चीज को, हम लोग वन बाय हम एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, तो सबसे पहले जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। आप जानते हैं कि कंक्रीट इज ए होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। रिप्लाई कीजिए, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, बताइए होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। कंक्रीट होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस है बताइए, होमोजीनियस मटेरियल है या हेट्रोजीनियस है। हम बहुत डिस्कशन करेंगे बाबू, आप टेंशन मत लीजिए, सारा सब्जेक्ट जो भी होगा आपको बहुत चीज हम करने वाले। बताइए होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। प्रसून रिप्लाई कीजिए, नैन्सी धीरज कुमार हेट्रोजीनियस। देखते हैं क्या क्या पढ़े, पहली बार मुलाकात हो रहे हैं, होमोजीनियस होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आदित्य बस इतने ही लो रिप्लाई। सर दोनों है सर, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। वाह वेरी गुड, होमोजीनियस रोहित होमोजीनियस है। मिट्ठू होमोजीनियस है, सबका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है जी। आपको बता दे कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मटेरियल, समझ रहे हैं, जिनके भी पास कॉन्सेप्ट होमोजीनियस है। क्या हो गया, कुछ वीडियो चैनल गड़बड़ हो गया क्या, हो गया चल रहा है मोबाइल में देखो, नहीं दूसरा लिया अभी इसकी नहीं दूसरा कोई दे रहा है जो ठीक है। तो कंक्रीट बाबू आपका हेट्रोजीनियस मटेरियल है। अब होमोजीनियस कैसे है, मतलब क्या उसका इंग्रेडिएंट्स है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, क्या उसका सारा जो इंग्रेडिएंट्स है कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, आपका जो एग्रीगेट है जो ग्रेवल रहता है, बोल्डर सब बोल्डर तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, ग्रेवल इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सारा जगह यूनिफॉर्मली है क्या, कैसे आप सोचते हैं बाबू, क्या सारे जगह यूनिफॉर्म है, नहीं है यूनिफॉर्म है, सारे जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कैसे कह सकते आप होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मटेरियल है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है। सैंड का यूनिफॉर्म, सैंड तो चलो कह भी सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट उसका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, सेम सभी तो सेम रेंज का नहीं है, तो कैसे होमोजीनियस होगा। तो कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मटेरियल बट वी एज्यूम एज ए होमो हेट्रोजीनियस मटेरियल बट वी एज्यूम एज ए होमोजीनियस बिकॉज इसका पर्पस है, क्योंकि आप लिमिटेड कर रहे हैं, बिकॉज आपका क्या है उतना होमोजीनियस है नहीं, आइसोट्रॉपिक भी मानते हैं, क्यों मानते हैं उसके, क्योंकि हमको उसको हुक्स लॉ को फॉलो करवाना है, और हुक्स लॉ का कंडीशन है दो का तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, दूसरा क्या होना चाहिए आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि आपको लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, हालांकि चलिए इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं, कि स्ट्रेस शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट, सही बोल रहा हूं ठीक है। तो आरसीसी और पीसीसी बेस्ट एग्जांपल है, नहीं बाबू इससे नहीं मतलब है, कोई भी रहे आरसीसी पीसीसी मतलब नहीं, कोई भी रहेगा आपका कंक्रीट इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस मटेरियल बट वी एज्यूम एज ए होमोजीनियस बिकॉज हमको चाहिए क्या चाहिए, स्ट्रेस कैलकुलेशन चाहिए। स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हो वर्किंग स्ट्रेस में आप 60 हो गया, उसके टोटल 7 है या 8 है, आप उसके एजम्पशंस पढ़े होंगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि कंक्रीट इज ए होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, एंड दूसरा आप पढ़े होंगे कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो बाबू अगर जब रियल में रहता तो एजम्पशन क्यों ले रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, खुद सोचिए मैं सही बोल रहा हूं, अगर ये होमोजीनियस रहता तो फिर आप एजम्पशन में क्यों लिख रहे हैं, सही बोल रहा हूं रिप्लाई करें। ठीक है, तो आप इस तरह से हाँ इसीलिए ध्यान रखिएगा ये चीज है, आप आइएगा कॉलेज बाबू, बहुत ही मैं वायवा पूछने वाला है तो ठीक है, नंबर बढ़िया दूंगा उसके लिए टेंशन मत लिए, जो भी आप लास्ट सेमेस्टर है अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन आपको पर्सनली मैं बहुत वायवा लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरी हम लोग की लास्ट मुलाकात है, इसके बाद ज्यादा मुलाकात नहीं होगी, तो इसीलिए हाँ बाबू आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा ठीक है, जो पूछते रहूंगा रिप्लाई करते रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कंक्रीट, तो कंक्रीट क्या होता है, इट इज ए हेट्रोजेनियस मटेरियल, इट इज ए हेट्रोजेनियस मटेरियल ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट इंक्लूड्स इंक्लूड्स क्या करते हैं, बोल्डर बोल्डर भी कह सकते, बोल्डर है छोटे बोल्डर ज्यादा कहता है, ग्रेवल कहिए सैंड है, ये है फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में क्या हो गया सैंड हो गया, समझ रहे, इसके बाद क्या होता है वाटर होता है, इसके बाद क्या होता है जरूरत पड़ता है एडमिक्सर होता है, और कुछ चाहिए सीमेंट भी, सीमेंट भी चाहिए।
तो ये सब को हम लोग यूनिफॉर्मली मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग करने के बाद जो मटेरियल बनता है और जो मटेरियल बनता है उसी को हम लोग कंक्रीट करते हैं। हालांकि उस समय उसको ग्रीन कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं, और जब हार्ड हो जाता है तो सॉलिड कंक्रीट बोलते हैं। तो उसका आपका 10 क्या कहते हैं आधा घंटा के अंदर काम कर लेना रहता है। अगर ओपीसी सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो हम लोग उसका क्या कहते हैं मतलब जिस शेप में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा, इसलिए आधा घंटा के अंदर ही आप उसको यूज कर सकते हैं। आधा घंटा के बाहर जाएंगे तो फिर आपका वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी वो डेवलप करने लगता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप करने लगता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है वो परमानेंट सेट होना शुरू हो जाता है। तो जो भी करना है वाटर जब ऐड किया उसका आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना है। कैसे पता चला आधा घंटा? सीमेंट के ओपीसी 33 ग्रेड 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, ठीक है, ये चीज सब है, वहां से हम बात करते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं चल रहा है सर, रुक रुक कर वीडियो चला तो पूरा दे रहा पांच बाबू। आप लोग जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं बोल रहे हैं कि रुक रुक के चल रहा है, तो उनको डाउट होगा मेरे पे, इसलिए आप लोगों का चल रहा हो ना तो आप रिप्लाई करें कि मेरा ठीक चल रहा है, समझ रहे हैं, और आप दूसरे को सजेस्ट भी करें कि ऐसे कर लो। नहीं तो बाबू पहले आप काम कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगाइए, आप ईयरफोन लगा लीजिएगा, ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिए, समझ रहे हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिएगा। हाँ ईयरफोन लगा लीजिए, हाँ ब्राइटनेस इंक्रीज, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ा लीजिए, और जहाँ आपका बढ़िया टावर पकड़ रहा है वहां चले जाइए। अगर बाबू अगर दिक्कत हो गया अभी क्लास में, मुझे पता है कि दिन में हम क्लास कम दिन में नहीं लेते हैं, थोड़ा दिक्कत रहता है नेट का, अगर दिक्कत हुआ तो बाबू आज रात में हम आपको 10 बजे से क्लास लेंगे, याद रखिएगा 10 बजे से क्लास लेंगे, 12-1 बजे तक लेंगे, समझ रहे हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इस चैप्टर के अलावा कुछ और भी पढ़ाने वाला हूँ, समझ रहे हैं, इस चैप्टर के अलावा और भी कुछ बहुत बढ़िया देने जा रहा हूँ। हाँ ओके ओके चलिए। तो हम लोग कंक्रीट का बात किया, कंक्रीट सबको समझ में आ गया बाबू, कंक्रीट सबको समझ में आ गया, रिप्लाई करें, कंक्रीट आ गया सबको समझ में, कंक्रीट आया समझ में सबको, ठीक है, कंक्रीट ठीक रहेगा, ये समझ में आ गया आपको सबको। हाँ अब हम बात करते हैं कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, हालांकि यहां कंक्रीटिंग इक्विपमेंट का मतलब हुआ इक्विपमेंट मतलब कंक्रीट से रिलेटेड, कंक्रीट सुनिए, तो यहां आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 4 सेमेस्टर में पढ़े होंगे, उसका हम थोड़ा चर्चा करते हैं, कंक्रीट क्या क्या करते हैं, कौन सा हम लोग प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंक्रीटिंग कंक्रीट बनाना है, कंक्रीट बनाना है, तो कंक्रीट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या होते हैं एग्रीगेट लेते हैं, इसके बाद कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, फाइन एग्रीगेट लेते हैं, और दोनों को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, फिर सीमेंट भी स्टोर करके रखते हैं, और दोनों को हम लोग सारे को एकत्रित करते हैं, और एक हम लोग हालांकि जो उसका क्वांटिटी जो मेजरमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं बैचिंग, बोलते हैं बैच, BATCH बैच, ठीक है, बैच बोलते हैं। लेकिन बैच मतलब ये समझिएगा कि हमारा बैच है बाबू, वो भी इसका मीनिंग होता है, जो आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं आपका बैच जो कहलाएगा, आप लोग 2020 में पास आउट होने वाले हैं, यानी 2017 में एडमिशन ले होंगे, तो आपका बैच कहलाएगा 2017 से 2020 का बैच कहलाएगा, वो भी एक बैच है। जैसे हम लोग मेडिसिन सब परचेज करते हैं, तो एक जो मेडिसिन सब बनता है हजारों लॉट में बनता है, बहुत सारा बनता है, तो उसका भी सबका बैच नंबर फिक्स रहता है। तो जो मेडिकल उसको टेस्टिंग होता है, किसी बैच में से 2-4 टेस्ट कर लेते हैं और सारा ओके रहता है, तो वो भी एक बैच होता है। दूसरी बात, यहां बैच का मतलब होता है आप वेइंग करते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं, उसके से संबंधित होता है, उसको बोलते हैं बैच बोलते हैं, ठीक है। हाँ बाबू आप डोंट वरी, जो भी इंपॉर्टेंट है, हम अभी टॉपिक में घुस रहे हैं धीरे धीरे, जो भी इंपॉर्टेंट आप टेंशन मत लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मैं अंदर में घुसते चलूंगा, अभी हम टॉपिक पे पहले हम पहुंच रहे हैं, समझ रहे। तो हम लोग क्या करते हैं बैच करते हैं, बैच का मतलब समझ में है, बैच आप लिखते भी लेकिन चलिएगा, बैच लिखते भी चलिएगा, ठीक है। बैच का मतलब क्या हो गया, बैच का मतलब क्या हो, टू वे, बैच का मतलब होता है टू वे, BATCH मतलब होता है टू वे, WEIGH वे मीन्स मापना, वजन मापना, वे मीन्स होता है मापना, ओके ये चीज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बैचिंग करते हैं, बैचिंग मतलब हम लोग को मिक्सिंग करना है, कंक्रीट को क्या करना है मिक्स करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ अनुपात में लेते हैं कि मान लीजिए 2 किलो कोर्स एग्रीगेट लिए, 1 किलो फाइन एग्रीगेट लिए, 1/2 किलो सीमेंट लिए, तो इसको जो नाप के नापते हैं इसी को बोलते हैं बैच,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैचिंग करना बोलते हैं। इसके बाद बैचिंग करने के बाद क्या करते हैं, आप मिक्सिंग करते हैं। बैचिंग करने के क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। और जब मिक्सिंग कर लेते हैं, हालांकि यही हमारा टॉपिक है, मिक्सिंग करने के लिए हम आपको यहां पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं, मिक्सिंग करने के लिए। मिक्सिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, मिक्सिंग के बाद ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं बाबू, ठीक है, एस्टोरिंग, STORING, एस्टोरिंग। एस्टोरिंग के बाद क्या करते हैं, बैचिंग, बनाते चलिएगा, बैचिंग बैचिंग। बैचिंग के बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद की, अब आपने क्या कर दिया, सबको लेके मिक्स कर लिए, तो मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद क्या करेंगे आप, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, TRANS, ट्रांसपोर्टिंग, PORTING, ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग करने वाले हैं बाबू। एक्चुअली थोड़ा कुछ इंपोर्टेंट चीज है, मैं बता देने जा रहा हूँ, टॉपिक तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आपके टेंशन मत लीजिए, जो भी बचा हुआ पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा चीज है। हाँ, थोड़ा ये इंपोर्टेंट है, नोटिफिकेशन है, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। अगर अभी प्रॉब्लम, सुनिए, अगर अभी प्रॉब्लम हो गया तो मैं रात में 10 से 10:30 बजे से क्लास लूंगा, हम क्योंकि हम दिन में क्लास लेना कल से शुरू किए हैं, कल 2 बार जरूर कटा था, प्रॉब्लम होता है नेट का, तो हम मैक्सिमम क्लास हम लोग रात में लेते हैं, 7, 8, 9 बजे से शुरू करते हैं और हम लोग 1:30, 2 बजे तक हम लोग क्लासेस लेते हैं, समझ रहे हैं ये चीज है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, अगर दिक्कत हो जाएगा तो हम रात में लेंगे, ओके, रात में हम लोग लेंगे, क्लास लेंगे, इस तरह से होगा। सुनिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब बता रहा हूं, क्लास तो बहुत छोटी बात है, मैं खत्म कर दूंगा बढ़िया ढंग से, टेंशन मत लीजिएगा। आपको आपको सबसे पहले ये सोचना है, एक चीज ये है, आप इस सेमेस्टर के बारे में सोचिए, थोड़ा इसके आगे वाले बात कर रहा हूं, मेरा एक एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, आज ही से शुरू करने वाला हूं, 6 से 8, ये मैं अपने लाइफ टाइम के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसी संडे से, आज ही से स्टार्ट करने जा रहा हूं, 6 से 8 मैं लाइव होऊंगा, पूरे जिसको भी जो भी डाउट रहेंगे, जिनको जो भी डाउट रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में मैं फर्स्ट टाइम ला रहा हूं, टेक्निकल में जो भी किसी को डाउट रहेंगे वो 6 से 8 मुझसे कोई भी ऑनलाइन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसके टाइमिंग क्या है कि सोमवार से शनिवार तक अपना डाउट हमको कोई चैप्टर भी पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। तो सर चैप्टर अच्छे से हो सकता है, किसी को बच्चे लोग हमको कुछ बोले हैं कि सर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है, सर शियर कर मतलब बता दीजिए, किसी को ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, किसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप, सिविल का फैक, मैं पता है आपको सिविल का फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट लाएंगे मैं वहां से आपको सारे डील कर दूंगा, समझे, आप टेंशन मत लीजिए। सोमवार से शनिवार तक आपको पोस्ट करना है, हमारे किसी भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे कि सर ये हमको समझा दिया जाए, आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया, किसी का बोलेगा कि सर प्रूफ कर दिया जाए, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, समझे, वो सभी के लिए आपको ऑनलाइन है। ये तो हो गया जनरल। दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूं कि बाबू आपको, अब तो आप लोग मेहमान से भी मेहमान खत्म हो गए, क्योंकि आप लोग बहुत से बहुत आज ही अभी हमको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आया है, और दिल्ली के पेपर, दिल्ली का जो न्यूज है, दिल्ली का जो न्यूज है उसका रिपोर्ट है कि 1 जुलाई से आपको कॉलेजेस सब ओपन होने जा रही है। अगर 1 जुलाई को ओपन होने जा रही है तो इसका मतलब है कि आपको जुलाई में एग्जाम्स वगैरह सब हो जाएगा और इस बार आपका बोरिया बिस्तर खत्म यहां से, समझ रहे हैं, ये से मतलब आप डिग्री वाले सिस्टम से निकल गए। इसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको कंपटीशन का तैयारी करना है, और जानते हैं कि बिहार में जो पूछा जाता है वो आपको मतलब नंबर बेसिस पे होते हैं, ये भी आपको पता है, लेकिन हमको ये भी पता चला है कि अब धीरे धीरे नंबर बेसिस खत्म होने वाली है, कहीं से नहीं कहीं है, कहीं से कहीं जो भी है पता चला है कि नंबर बेसिस बहुत ही कुछ कचरा हो गया है, तो खत्म भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इसको, ये तो चलिए है तो फिर भी ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम इस पर्पज से तो पढ़ाई नहीं करते, हमको हर एक तरीके से तैयार होना चाहिए, जिस तरह जैसे अर्जुन लोग होते हैं, ठीक है तीरंदाजी आप बढ़िया जानते हैं, धनुष जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तलवार नहीं चला सकते, ऐसा नहीं है कि आप ये क्या कहते हैं गदा नहीं चला सकते हैं, मतलब सब कुछ आपको सब कुछ जानना होता है, ऑलराउंडर आपको होना है, ऐसे नहीं है कि हम सिविल इंजीनियर हैं यहां पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम एडवांस सर्वेइंग ही जान रहे हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ही जान रहे हैं, अदर सब्जेक्ट में जा रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं जान रहे, फिजिक्स नहीं जान रहे, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको बेसिक सब कुछ जानना है, सब कुछ करना है। कहने का मतलब यह भी हुआ कि आपको कंपटीशन का तैयारी करना ही होगा, भाग नहीं सकते हैं, तो बाबू उसमें जिसमें एक इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, आपको पता है एक मार्केट में आता है बुक, आता है 3 बुक आता है जो आपको रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा बोल रहे हैं, चाहे समझ के रखिए चाहे जैसे रखिए,
एक आपको खुड़मी बुक होगा, लिखते चलिएगा खुड़मी बुक, आर आर एस खुड़मी बुक, ये होगा आपको रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसके बाद आपके पास, इसके बाद है आर एस गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता के नाम से पॉपुलर है, वो करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा बुक करना पड़ेगा आर अगोर, आर अगोर, बाबू लिखते नहीं जा रहा हूं, क्या लिखना जरूरी है, क्या बताएंगे, लिखना जरूरी है क्या, समझ आएंगे, ये चीज सब आपको करना है। ये तीनों बुक आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, मतलब तभी आपको कंपटीशन निकलेगा। और आपको बता दे कि इसी सबसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, इसी सबसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां भी पूछे जाएंगे। तो ये बुक सब है। तो अब आपको करना क्या है, तो मैं बाबू इसके लिए क्या कर रहा हूं, जैसे ही आपका यहाँ एग्जाम खत्म हो जा रहा है, उसके समझिए एक या दो दिन के बाद ही मैं लाइव क्लास खुड़मी का डिस्कशन लेने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। लाइव क्लास में खुड़मी का डिस्कशन लेने जा रहा हूं, प्रतिदिन 25 क्वेश्चन लूंगा, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी बैठे रहते मजा नहीं आता है, तो हमको कुछ काम चाहिए, हमको पढ़ाने का बड़ा शौक है, हमको पढ़ाने मजा आता है, तो इसलिए आप लोगों को हम लाइव क्लास लेने जा रहे हैं खुड़मी का डिस्कशन, यही मेरा अनाउंसमेंट था, सही है, ठीक है, आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं, ओके, सही है, ठीक है। तो यही चीज है आपको, आप लोग जैसे ही सेमेस्टर आपका एग्जाम खत्म होगा, इसके एक दो दिन के बाद आपका सारा का रिप्लाई आना चाहिए बाबू, सारे का रिप्लाई आना चाहिए। देखिए हम तो आपको देख नहीं रहे, आप हमको देख रहे हैं, आप सारा रिप्लाई कीजिए, उससे मैं मोटिवेट होता हूं, समझ रहे हैं आप। हाँ, आपको, आप लोग रिप्लाई करते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं, उस सबसे मैं मोटिवेट होता हूँ आप, क्योंकि ऐसा नहीं, जस्ट और यही बता रहा हूँ क्लियरली बाबू, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ और ये सभी के लिए कर रहा हूँ। आप कोई भी, इसके बाद आप कुछ बोलेगा सर टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, सर कॉम्पिटिशन लेवल का कुछ भी आप बोलिएगा पढ़ाने के लिए, बाबू जब तक मैं फ्री हूँ आपको मैं करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा पढ़ा, ये भी बता रहा हूँ बाबू, सेमेस्टर का पढ़ाने में और कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, कम से कम 1000 गुना का डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट तो टेंडर लेना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं ले सकता हूं, या टाइम मिलेगा तो हमें वीकली लूंगा कुछ करके, लेकिन मैं खुड़मी डिस्कशन, आर अगोर गुप्ता है, ये डिस्कशन मैं लूंगा आप लोगों के लिए, 1 घंटा भी आपको लेके निकालूंगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये करूंगा, तो यही चीज है आपसे, तो आप लोग बस, आप लोग ये है कि अपने, देखिए हम आपको सेवा कर, मैं पहले बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, एक सर्विस कर रहा हूँ, समाज जो भी हम जिस जगह पे आए हैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी है हमको पेमेंट कर रही है, हमको सेवा करने का मन है, आप भी, आपका क्या है काम, फर्ज है कि आप भी अपने दोस्तों को आप इंफॉर्मेशन दीजिए, नॉलेज दीजिए, उनको भी शेयर करिए और उनको भी ज्वाइन करिए, कि सो दैट उनको भी ये फायदा हो जाए, ये अपने पास रखिए मत, मेरे पास भी नॉलेज है बाबू, हम भी किसी से सीखे हैं, तो एक पीढ़ी से सीख के मेरे पास आए हैं, अब हम अपने पीढ़ी से हम आपको देने जा रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम अपना कर्तव्य पूरा करें, ड्यूटी पूरा करें, आप अपना करें, अपने दोस्तों लोगों से जो भी है सबको शेयर करें, ठीक है, ये प्लान है। हालांकि आप जुड़ेंगे तो मैं बहुत सारा प्लान है बता रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे मेरे पास प्लान है, बहुत अच्छे हैं। एक और अनाउंसमेंट करूंगा, वो लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगा, बाबू आप टेंशन मत लीजिएगा, तो अगर हो सकता है कि वीडियो कहीं सही से नहीं चले तो कोई टेंशन नहीं है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अगर 10 बजे से फिर रात में क्लास लूंगा, लेकिन क्लास मुझे जितना टारगेट रखा हूं मैं पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए बात करते हैं, तो ये हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक, एक और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छा देने वाला हूं, आप बस देखते रहेंगे, मैं बताऊंगा, अगर मैं भूल जाऊंगा तो बताइएगा। तो ये है आपका स्टोरिंग, हम लोग बात करते हैं स्टोरिंग किसको बोलते हैं, जो अलग अलग जगह से हम लोग सीमेंट अलग मंगवाते हैं, एग्रीगेट अलग मंगवाते हैं, पानी अलग अलग टंकी में रखते हैं, इसको बोलते हैं स्टोरिंग। स्टोरिंग के बाद क्या करते हैं, हम जब कंक्रीटिंग बनाना चाहते हैं, हालांकि जानते हैं कंक्रीट बनाते हैं तो दो तरीका होता है, एक नॉमिनल मिक्स होता है, डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स M20 और 20 से नीचे की, M20 तक सिर्फ नॉमिनल मिक्स करते हैं, M20 से ऊपर हो जाता है वो डिजाइन मिक्स होता है, आई थिंक आपको पता होगा, क्लियर है, ये बात करते हैं। तो जो आप वजन नापते हैं, आप वेट मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसको भी दो तरीके होते हैं, बाय वॉल्यूम से कर सकते हैं या बाय वेट कर सकते हैं। तो जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं बैचिंग करना, समझ रहे हैं, बैचिंग करना, बैच करना, बैच करके क्या करते हैं, मतलब आपने सबका वेट मेजरमेंट कर लिए, बाय वॉल्यूम चाहे बाय वेट कर लिए। नॉमिनल मिक्स रहेगा, नॉमिनल मिक्स रहेगा तो बाय वॉल्यूम करेंगे, ठीक है, और डिजाइन मिक्स रहेगा तो बाय वेट करेंगे, ये आपको पता है।
इसका मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग हम लोग कर दिए, मिक्सिंग करेंगे। हालांकि इसके लिए कोड होता है, कितने टाइम मिक्सिंग होता है ये सब भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, कितना इसका कितने देर तक मिक्सिंग करना चाहिए, मिक्सिंग का क्या क्या रेसिपी होता है ये सब चीज चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब मिक्सिंग कर लेते हैं तो हमारा इसके बाद पर्पस क्या है कि मिक्सिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब जहां इसका रिक्वायर्ड पोजीशन है हम वहां ले जाएंगे, समझ रहे, ये हमारा हमारा पर्पस है, ठीक है। तो पर्पस हमको इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करके ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग करना है। जब हम लोग साइट पे हम लोग पहुंच गए, इसका क्या बोलते हैं उसको, करते हैं प्लेसिंग, PLACING प्लेसिंग बोलते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में, 1.5 मिनिमम, 1.5 से मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 1.5 से फॉल करवा सकते, ज्यादा हाइट से फॉल करवाएं तो सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो ज्यादा हाइट से भी आप फॉल नहीं करवा सकते हैं, समझ रहे, ये चीज है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या होता है, प्लेसिंग के बाद क्या करते हैं, जैसे प्लेस कर दिया, अब रख दिए, तो प्लेसिंग के बाद क्या होता है, कॉम्पैक्टिंग। बाबू यहां से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, कॉम्पैक्टिंग, CUMPACTING, कॉम्पैक्टिंग करेंगे, कॉम्पैक्टिंग करेंगे, यानी प्लेसिंग करने के बाद क्या करें हम लोग, कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं, और कॉम्पैक्टिंग के बाद क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग, FINISHING, फिनिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, और फिनिशिंग के बाद क्या करते हैं, क्यूरिंग, CURING, क्यूरिंग। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जो आपको पता होगा, समझ रहे हैं ना, ये पता होगा। तो इसमें हमारा जो सिलेबस है अभी जो हमको पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो हमें करना है ये मिक्सिंग, ट्रांजिट मिक्सचर, ये है, ये हमारा टॉपिक है यहां। अब समझ में आ गया होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा क्यों आपसे शेयर किए, ये हमारा टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो कंक्रीट, इस चैप्टर में जो पढ़ना है कंक्रीट मिक्सचर, समझ रहे, CONCRETE, कंक्रीट मिक्सचर, MIX मिक्सर, ठीक है, समझ में आ गया, कंक्रीट मिक्सचर है, मिक्सिंग है। प्लेसिंग रिपीट कर दीजिए, अच्छा कर देते हैं बाबू, हम फिर बात करें, हम क्या करते हैं स्टोरिंग, स्टोरिंग किसको बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आप जो मटेरियल लाते हैं उसको एकत्रित करके लाते हैं। बिल्कुल एग्जांपल, घर वाला एग्जांपल लेते हैं, आपको सब्जी बनाना है, देखिए बहुत बढ़िया है, आपको सब्जी बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जी लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जी लाएंगे, क्या एक ही में रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। फिर इसके बाद आपको मसाला भी इस्तेमाल करना है, मसाला अलग में रखते हैं, धनिया अलग में रखते हैं, जीरा अलग में रखते हैं, तेल अलग रखते हैं, गर्म मसाला अलग में रखते हैं, बहुत सारा चीज अलग अलग रहते हैं, उसी को तो बोलते हैं स्टोरिंग करना, उसी को हम लोग क्या करते हैं स्टोरिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाए उसको स्टोरिंग करना बोलते हैं। लेकिन अब बैचिंग, अब आपको खाना बनाना है तो आपको सब्जी बनाना है तो उसमें आलू इतना दीजिएगा, प्याज इतना दीजिएगा, तेल इतना दीजिएगा, जीरा इतना, तो यही है वही बैचिंग, मतलब आप वहां रफ आइडिया करते हैं, यहां आप क्या करते हैं एक्यूरेट लेते हैं, बिकॉज एक्यूरेट लेते हैं क्योंकि उसमें अगर धनिया ज्यादा पड़ गया हमको खाना में तो एडजस्ट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन यहां ज्यादा कम पड़ेगा तो यहां हमारा जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटी है उस पर अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग यहां बैचिंग करके देते हैं, प्रॉपर हम लोग वे करके देते हैं, क्लियर है, सही है, सही है, ओके। अब बात करते हैं मिक्सिंग, तो हमने यही बोला कि हमको कंक्रीट मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, इसी टॉपिक, ये है मेरा टॉपिक, यहां वाला टॉपिक है, ठीक है। मिक्सिंग के बाद क्या है, मिक्सिंग के बाद क्या है, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग मतलब ट्रांसपोर्टिंग समझ रहे ना, कि आप जहां से कंक्रीट बनाते हैं वहां से कंक्रीट दूसरे जगह ले जाया जाता है। हालांकि आपको शायद ये दिमाग में नहीं हो रहा होगा, नहीं ले जा रहा होगा, मैं बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग किसको बोलते हैं, क्या आप ये बताइए, जैसे आप छत पे, आपको छत ढलैया करना है, ठीक है, तो क्या आप कंक्रीट छत पे ही बनाते हैं, क्या क्या छत ढलैया करना है, छत बनाना है, या आपको कॉलम बनाना है, बीम बनाना है, तो क्या बीम पे ही बैठ कर कंक्रीट बनाते हैं, क्या नहीं ना, तो नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या, आप कहीं जगह अलग जगह बना रहे हैं और वहां से मिक्सिंग करके, और मिक्सिंग कर, हाँ वो डिपेंड करता है कि उस पर हम चर्चा करेंगे, मिक्सिंग इस पर बहुत चर्चा करेंगे। तो मिक्सिंग करने के बाद आप क्या करते हैं उसको, आप अगर छोटा जगह डिस्टेंस कम रहता है तो उसको अपने सिर पे लेके और लेबर के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। कम क्वांटिटी में छोटा प्रोजेक्ट रहता है तो बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, पाइप का इस्तेमाल करते हैं, उससे बड़ा प्रोजेक्ट है RMC है, उसका भी चर्चा करेंगे। अगर यहाँ अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, समझ रहे हैं, ब्रिज में थोड़ा कभी कम भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपका जल ब्रिज भी कह सकते हैं, जहां डैम बन रहा हो, रिटेनिंग वॉल सब बन रहा हो, बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप दूसरे से खरीद के नहीं ले सकते हैं कंक्रीट, तो उस कंडीशन में हम खुद अपना प्लांट ही लगा लेते हैं, सही है, खुद अपना प्लांट ही लगा लेते हैं।
हाँ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे करते हो तो ट्रांसफर होते हैं प्लेसिंग। अब आपने जैसे आपने माथा पे से ऐसे ले गए और इसके बाद क्या करते हैं जो रखते हैं बाबू आप कंक्रीट को उस जगह पे रखते हैं उसी को बोलते हैं प्लेसिंग करना। क्लियर है? तो ये मैनुअली हो गया। अब फिर आप कंक्रीट जो मिक्सचर होता है मशीन से होते हैं वहां से भी हम प्लेसिंग करते हैं इसको बोलते हैं प्लेसिंग। प्लेसिंग के बाद क्या होता है इसे छोड़ दीजिएगा नहीं छोड़ सकते हैं इसको क्या होता है इसको वाइब्रेट करना पड़ता है उसमें इंट्रैप्ड एयर होता है इंट्रैप्ड एयर बोलते हैं इंट्रैप्ड एयर को निकालना पड़ता है उसी को बोलते हैं कंपैक्टिंग। तो दूसरा टॉपिक हमें ये पढ़ना है यहां से दूसरा है कंक्रीट CONCRETE कंक्रीट कंक्रीट कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्टर CONPACTOR कॉम्पैक्टर। तो दूसरा यूनिट में हमको पढ़ना है कंक्रीट कॉम्पैक्टर। समझ में आ रहा है ना बाबू? ये आ रहा है ये चीज हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद तीसरा चीज हमें जो पढ़ना है इसके बाद है कि जो जो कंक्रीट जो मिक्सिंग ये बनता है बैचिंग होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बैचिंग करने का तरीका क्या है? तो कंक्रीट बैचिंग CONCRETE सब लिखते चलिएगा या कंक्रीट प्लांट बोल दीजिए प्लांट PLANT मतलब कंक्रीट बनाने के कहां कहां बनाया जा सकता है कैसे कैसे कहां बनाते हैं और ये किस लेवल पे बनाते हैं वो हम लोग प्लांट में बात करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप जैसे गेहूं पिसाने के लिए आते हैं तो एक प्लांट सेटअप है समझ रहे प्लांट सेटअप है। सर कैंटिलीवर बीम में प्लेसिंग कैसे करते हैं तो कैंटिलीवर बीम बनाने से प्लेसिंग कैसे करेंगे ओके। तो आपको क्या करना है उसको जनरल आप जैसे सिंपल अच्छा कैंटिलीवर आप क्यों क्यों दिमाग में आ गया और जनरल बीम में कैसे करते हैं तो जैसे जनरल बीम में करते हैं उसी तरह उसमें करते हैं ये कि सर जनरल बीम में दोनों साइड से हमारा कॉलम बना रहता है इसके बाद हम लोग साइड से हम लोग मतलब नीचे से फॉर्म वर्क बना के और हम लोग स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिपिंग जो आपका बैम्बू का प्रोवाइड करते हैं या स्टील का जो बना होता है आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं इसमें दोनों साइड से रहता है। अब कैंटिलीवर आती है कि आगे एक साइड से नहीं एक ही साइड से है ठीक है एक साइड से नहीं दूसरे एक ही साइड इसमें है प्रोजेक्टेड है तो उसमें हम लोग करते हैं समझ रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलर यूसी कैंटिलीवर बीम में भी सेटिंग लगता रहता है हाँ बिल्कुल उसमें भी होता है सेटिंग लगाते हैं बिल्कुल सही बोले अरे क्यों नहीं सेटिंग लगाएंगे तो हवा में हवा में करेंगे क्या वहां भी हम लोग सेटिंग लगाएंगे समझ रहे सब कुछ वहां भी करेंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद हाँ ये प्लांट के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद चौथा चीज में पढ़ेंगे हम लोग हाँ स्टोन क्रशर चौथा चीज है बाबू लिखिएगा इस चैप्टर में पढ़ना है स्टोन STON स्टोन क्रशर CRUSHER आई थिंक ये चैप्टर समझ में स्टोन क्रशर मतलब इसको स्टोन को करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। सर क्लास कब तक चलेगा ये बाबू तो खैर मुझे पता नहीं रहता है कि क्लास कब तक ये आज तक कॉलेज में भी नहीं हुआ है कभी कॉलेज में भी नहीं हुआ है और यहाँ भी नहीं पता है लेकिन हाँ 6 बजे से मेरा लाइव क्लास है तो इसीलिए आज पहले छोड़ेंगे नहीं तो हम जनरली पहले नहीं छोड़ते हैं समझ रहे मेरा क्लास हमेशा लंबा ही चलता है और बस एक ही चीज होता है कि जब तक शरीर में ताकत है तब तक चलते रहता है जब तक कि आप लोग परेशान ना हो जाए तब तक क्लास मेरी चलते रहती है ओके। तो इसके लिए कभी नहीं पूछे हालांकि मेरी मजबूरी है 6 से 8 मेरा लाइव होना है तो इसी के लिए थोड़ा मैं पहले छोड़ दूंगा अदरवाइज नहीं फिर रात में रहिएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अगर 11-12 बजे 10 बजे पकड़ा गया 2-3-4 बजा दूंगा समझ रहे हैं हाँ लॉन्ग क्लास चलता है मेरा हाँ इसीलिए खाना पीना खा के तैयार जब मेरा क्लास चलता है तो ऐसे ही चलता है। सही बोल रहा हूँ सिद्धार्थ रोहित सही बोल रहा हूँ हाँ हाँ चलते रहिए चलिए ठीक है बाबू हाँ अब हम बाबू मैटर समझ में आ गया आप लोगों को मैटर समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है ये सब है। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हम लोग बात करते हैं कंक्रीट मिक्सचर हम लोग आते हैं टॉपिक पे कंक्रीट मिक्सचर तो हम लोग आज एक टॉपिक ये खत्म करेंगे कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट मिक्सचर तो बाबू कंक्रीट मिक्सचर किसको बोलते हैं तो कंक्रीट मिक्सिंग तो हम लोग बात करते हैं एक हालांकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर पढ़ चुके हैं मिक्सिंग दो टाइप से है
अब यहाँ ये नहीं बताऊंगा मिक्सिंग क्यों करते हैं बाबू, ये सब हमको यहाँ टॉपिक का डिस्कशन चूंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, मिक्सिंग क्यों करते हैं नहीं करते हैं, कितने मेथड होता है ये सब हालांकि बता देते हैं। मिक्सिंग क्यों करते हैं पता है, क्योंकि हमको हमको क्या करना है, कंक्रीट मिक्सिंग करते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग मिलाएंगे नहीं तो हमको जितना रिक्वायर्ड जो क्वालिटी चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिटी क्या चाहिए, उसका हमको वर्केबिलिटी चाहिए, समझ रहे, उसका स्ट्रेंथ चाहिए और चाहिए उसे बेंडिंग स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है वो हमको चाहिए, तो मिक्सिंग करके ही प्राप्त कर सकते हैं, समझ। तो मिक्सिंग तो करना जरूरी है, मिक्सिंग दो टाइप से कर सकते हैं, हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं और मशीन मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं मशीन मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, यहां हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं मशीन मिक्सिंग, इसीलिए तो हमारा टॉपिक का ही नाम है कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, समझ रहे। तो यहां हम लोग मशीन मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, मशीन मिक्सिंग के, तो मशीन कंक्रीट मिक्सर या इसका दूसरा भी नाम है बाबू कंक्रीट मिक्सिंग मशीन, इसका दूसरा नाम लिखिए कंक्रीट मिक्सिंग मशीन, कंक्रीट मिक्सिंग मशीन, कंक्रीट मिक्सिंग मशीन, CONCRRET कंक्रीट मिक्सिंग मशीन, MACHIN कंक्रीट मिक्सिंग मशीन, ठीक है कंक्रीट। हालांकि कभी कभी इसको सीमेंट मिक्सर भी बोल देते हैं, कभी कभी सीमेंट मिक्सर भी बोलते हैं हम लोग, सीमेंट मिक्सर बोलते हैं। अब बताइए इसका अब ये क्या हो जाता है, तो ऑब्वियसली सिंपल से है, एक ऐसा मशीन है जो मिक्स करता है, सिंपल एक लाइन में क्या बोलेंगे, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें है क्या, एक मशीन है, क्या है, कंक्रीट मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर मतलब कंक्रीट को मिलाने वाला एक डिवाइस है और कुछ नहीं, सिंपल सा कंक्रीट को मिलाने वाला मिक्सिंग करने वाला एक क्लास है। सर क्लास में नोट्स कैसे बनाएंगे, बाबू मैं लिखाऊंगा आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब लिखाते जा रहा हूँ, यहीं से आपको नोट्स हो जाएगा, डोंट वरी, समझ रहे हैं, क्लास सुनिए बहुत आपको ऐसे ही यहां से नोट्स बन जाएगा आपका। तो लिखे बाबू कंक्रीट मिक्सर का डेफिनेशन लिखे, कंक्रीट मिक्सर का डेफिनेशन लिखे, लिखे इट इज ए डिवाइस हाँ नल्टिल्टी, हाँ बिल्कुल टिल्टिंग एंड नल्टिंग मिक्सर मशीन, बिल्कुल बाबू एकदम सही बोले हैं, यही चीज पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मिक्स कोर्स एग्रीगेट। वीडियो पॉज कैसे करेंगे, वीडियो पॉज कैसे करेंगे, क्या नहीं कर सकते बाबू, क्या करेंगे, पॉज तो नहीं कर सकते हैं, ये कंटिन्यू चलेगा, जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक नहीं रुकेगा, या आप जब तक छोड़ के नहीं भागेंगे तब तक नहीं रुकेगा, या तो हम छोड़ के भागे आप छोड़ के भागे तभी वीडियो पॉज होगा, अदरवाइज नहीं पॉज होगा। देखिए इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मिक्स कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट सीमेंट वाटर एडमिक्सचर। हाँ सर लिख रहे हैं जी, आराम से लिखिए, हाँ बिल्कुल बाबू सब लिखते चलिए, तो लिख लीजिए इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड to mix concrete, to mix coarse aggregate, to mix coarse aggregate, fine aggregate, cement, cement, water, admixture, etc. homogeneously H homogeneous के स्पेलिंग HOMOGENOUSLY homogeneously का मतलब होता है, आप लोग इतने लेवल पहुंच चुके हैं पता है, जो homogeneous मतलब उसका कंस्टिट्यूएंट सभी जगह सेम हो, चलिए ठीक है लिखिए ETC homogeneously to form a solid material known as concrete, to form a solid material known as concrete, समझ है ना, तो समझ में आ गया ये क्या है, कंक्रीट मिक्सचर क्या है बाबू, एक ऐसा डिवाइस है जो कोर्स एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट को, वाटर को, सीमेंट को, एडमिक्सचर को यूनिफॉर्मली या होमोजेनियसली मिक्स करता है,
ठीक है, मोस्टली मिक्स करता है, जिसको मिक्स करके एक सॉलिड मटेरियल बनाता है जिसको कंक्रीट कहते हैं। यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, टाइप्स टी वाई टी, टाइप्स ऑफ कंक्रीट सी ओ एन सी आर ई टी, कंक्रीट मिक्सचर, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। तो बाबू टाइप दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहले होता है बैच मिक्सचर, बैच मिक्सचर, बैच मिक्सचर, बी ए टी सी एच, बैच मिक्सचर, बैच मिक्सचर। इसमें आपका वन होता है और टू हो जाता है, ठीक है, वन टू। और वन में भी हो जाता है आपका, वन में है ड्रम टाइप, इसका हो ड्रम, डी आर यू एम, ड्रम टाइप, ड्रम टाइप, ड्रम टाइप में भी आपको तीन होता है, और ये हो जाता है पैन टाइप, पैन टाइप, समझ में। मतलब ए है बाबू, यहाँ बी भी आने वाला है, बी भी, ये कंटिन्यूअस, सी यू एन टी आई एन ओ यू एस, कंटिन्यूअस टाइप, कंटिन्यूअस टाइप, कंटिन्यूअस टाइप, कंटिन्यूअस टाइप मिक्सचर, कंटिन्यूअस टाइप मिक्सचर, कंटिन्यूअस टाइप मिक्सचर। तो हम कह रहे हैं पहले हम लोग कंक्रीट मिक्सचर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक बैच मिक्सचर में और करते हैं कंटिन्यूअस में, एक बैच में और दूसरा कंटिन्यूअस। एडमिक्सचर भी आ पकड़ा का बाइंडिंग मटेरियल है, एडमिक्सचर भी हाँ बाइंडिंग बाबू, एडमिक्सचर बिल्कुल एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है, एडमिक्सचर भी बाइंडिंग मटेरियल है बाइंड करने के लिए। अरे बाबू एक बात बताते, एग्जांपल बताते, एग्जांपल एडमिक्सचर आप समझते हैं, एडमिक्सचर उस चीज को बोलते हैं जैसे कि आप बताइए, अगर आपके आपके खाना में दाल भात चोखा है तो स्लो स्लो खाइएगा, मन नहीं लगेगा, बाय द वे जनरली बता रहा हूं, लेकिन उसी में घी डाल दिया जाए, एडमिक्सचर है, देखिएगा आपका खाने का स्पीड बढ़ गया, आपका क्वालिटी बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी ये सब जो भी आपको खाने का उसमें कुछ और चीज मटेरियल कुछ डाल दे, समझ, चोखा वोखा जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल दिया जिससे आपका क्वालिटी चेंज हो जाता है, उसी को एडमिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, उसी को एडमिक्सचर बोलते हैं। तो यहां भी है, जो हमारे क्या है, हमको जो चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट, उस वैसे रिक्वायरमेंट हमको जैसा चाहिए, मतलब आपका हो सकता है प्लास्टिसाइजर होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर होता है, रिटार्डर होता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, हाँ, तो ये सब है, टेंशन मत लीजिए बाबू, वैसे ही एग्जांपल से रहता है मेरा। अरे बाइंडिंग मटेरियल ओनली सीमेंट है, तब आप आईएस कोड पढ़िए, बाइंडिंग मटेरियल वाली सीमेंट है सर, बाइंडिंग मटेरियल बाबू, बाइंडिंग मटेरियल ना वो जो है थूक भी है, बाइंडिंग मटेरियल दो चीज को चिपका देता है, जो आप देखते होंगे, जो आप भात को, जो भात को क्या करते हैं लगा देते हैं और भात से कपड़ा किसी को चिपका देते हैं, दो कागज को चिपका देते हैं, देखे होंगे होंगे चावल से, वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, कोई भी चीज एक बाइंडिंग मटेरियल है, समझ रहे हैं, आपका जो किसी से प्यार करते हैं ना वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, क्योंकि दोस्तों को बाइंड करता है, बांधता है, वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, लेकिन वहां बाइंडिंग मटेरियल दिखता नहीं, वो सिर्फ प्रेम है, भावनात्मक जुड़ाव, वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, सारे बाइंडिंग मटेरियल है, समझ रहे हैं, जो भी चीज एक दूसरे को बाइंड करने का काम करता है, हाँ, लेकिन ये है कि ये काम कम करता है, ठीक है, ये बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी, जैसे सीमेंट क्या है उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी है, समझ, एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी है, तो उसमें वो उसका बाबू अभी एग्जांपल बताते हैं, जैसे आप हैं अभी, आप हमसे अभी यहां पढ़ रहे हैं, तो हमारे आप स्टूडेंट हुए, आप स्टूडेंट हुए, लेकिन क्या आप किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई भी हैं, आपको आप सिंगर भी हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको गाना नहीं आता है, आपको रोना नहीं आता, हंसना नहीं आता, डांस नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, डोमिनेटिंग गुण कौन सा है, डोमिनेटिंग गुण ऐसा तो नहीं कि मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन हम एक सिंगर नहीं है, हमारे डोमिनेटिंग गुण है क्या, हम एक टीचर है, हम एक टीचर, हम पढ़ाते हैं, हमारा वो डोमिनेटिंग गुण है, अभी अभी आप स्टूडेंट है, आप में डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन आप जब डांस क्लास में जाइएगा उस समय डोमिनेटिंग नेचर आपका क्या हो जाएगा, एक डांसर के नाम से कहा जाएगा, नहीं कहेगा कि ये बढ़िया है, सिविल का स्टूडेंट है, समझ रहे, मतलब उसमें भी गुण है, आप गुण की बात बोल रहे हैं तो उसमें भी गुण है, लेकिन क्या है डोमिनेट ऐसा नहीं है, सीमेंट क्या है उसमें डोमिनेटिंग नेचर, एडहेसिव कोहेसिव प्रॉपर्टी है, एडमिक्सचर है उसमें भी ये गुण है, लेकिन क्या है डोमिनेटिंग गुण अलग है, वो क्या उसका प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा बाबू जो समझाया हूं, मैं
जो बताया हूँ सब समझ में आया, सब में सब गुण है, ठीक है। हम लोग डोमिनेटिंग गुण को फोकस करते हैं, डोमिनेटिंग गुण को फोकस करते हैं। चलिए बात करते हैं। हाँ, तो बैच मिक्सर है, तो हम कह रहे हैं कि दो टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, बैच मिक्सर, दूसरा कंटिन्यूअस मिक्सर। हम दोनों सब डिस्कशन करेंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए, पूरा टॉपिक खत्म करके छोड़ेंगे। तो बैच मिक्सर को दो भाग मानते हैं, एक ड्रम टाइप होता है, दूसरा पैन टाइप होता है। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ बाबू, कुछ भी रहेगा बोलिएगा, कोई भी दिक्कत रहेगा तो। हाँ चलिए, ड्रम टाइप में तीन ठो होता है, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग। लिखिएगा टिल्टिंग, TILTING, टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग, TILTING, नॉन टिल्टिंग टाइप। और नेक्स्ट होता है रिवर्सिंग, REVERSING, रिवर्सिंग टाइप, समझ रहे हैं। और सेकंड तो है ये बैच में दो टाइप का, यानी बैच का ये दोनों टाइप हो गया, बैच का दोनों टाइप हो और कंटिन्यूअस टाइप हो गया। आई थिंक लिख चुके होंगे। एक बात है, सारे लोग रिप्लाई नहीं करते, और सारे लोग लाइक भी नहीं किए हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। सारे लोग लाइक भी नहीं किए हैं बाबू, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। हाँ, आज इस बार तो मैं लिंक सेंड कर दिया हूँ, नेक्स्ट टाइम से लिंक सेंड नहीं करूंगा, आप लोग अपने से, फर्स्ट टाइम था इसीलिए कर दिया हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम से। हाँ, और आपको कभी भी कोई भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, कभी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कुछ कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि कभी भी खोलिएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मेरा कोई भी क्लासेस रहेगा चलते रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, समझ ना, ये चीज है। और सिविल से चूंकि जुड़े हुए हैं, मैं कभी पढ़ाऊंगा सिविल का, पढ़ाऊंगा जब भी पढ़ाऊंगा, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान कभी भी मिल जाएगा, कोई भी चीज, इसीलिए हमसे हमेशा जुड़े रहे। दूसरे चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमसे छोड़िएगा तो आपको बड़ा लॉस होगा। गुड। चलिए, हर्षित है। चलिए बाबू, तो हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए बैच मिक्सर, इसका डेफिनेशन, बैच मिक्सर। क्या बाबू, एक बार क्या समझाए बाबू, एक बार और समझाइए, क्या बाबू? बाबू, हम आप लोगों को भी इसीलिए तो मिल, हम आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, वाइवा के टाइम में आप लोगों को पर्सनली हम 5-5 मिनट 7-7 मिनट, देखिए नंबर तो अच्छा दे, नंबर के लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन मैं पूछूंगा सबसे, हमको फेस टू फेस हमको जानना है कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं। बाबू, हम आपको बताइए, हम लोग पढ़ाते हैं, हम नंबर देते हैं, इसके बाद आपकी जिंदगी, हम आप लोगों को जो नंबर देते हैं और उतने ढंग से मतलब क्या कहें, सिस्टम में नहीं, फिर भी आप लोगों को हम नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपकी जिंदगी बनाते हैं, और ये चीज हम आपको जानेंगे नहीं, तो हमको भी, हमें लगा कि हम कितने बच्चे को, हम हमारे जो पेन से है, अपने हाथों से कितने बच्चों को जिंदगी बनाए हैं, नहीं बनाए, आपको भी याद रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी में आशुतोष सर की भूमिका है, इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर की भूमिका है, यहाँ प्रशांत सर पढ़ाते हैं उनकी भूमिका है, अनिल सर पढ़ाते हैं उनकी भूमिका है, ये भी आपको जानना चाहिए, आपके सारे गुरुदेव हैं, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको उनसे ज्ञान मिलता है, हाँ, और आपकी जिंदगी बनाने में बहुत अहम भूमिका है, तो इसीलिए आप अपने गुरु को आप नहीं भूलेंगे, ये सब याद रखेंगे। और हमें भी इन, हम तो हमको हम तो बहुत बाबू, मेरा टीचिंग मेरा हॉबी है, पैशन है, इसीलिए मैं इतना खर्च करता हूँ, अभी कहीं पूरा, आपको पता है पूरा बिहार में ये सब कहीं नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अरेंजमेंट करके पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं, ये चीज है। चलिए बाबू, चलिए पहले बैच मिक्सर का डेफिनेशन। तो बैच मिक्सर का क्या मतलब होता है बाबू, बैच मिक्सर का लिखिएगा, तो बैच मिक्सर क्या होता है, ऐसा मिक्सर मतलब समझे मिक्सर, अरे आपके घर में बाबू मिक्सिंग मशीन रहता है, देखते होंगे कि मसाला पीसने वाले आपके घर एक किचन में होगा, नहीं बोलता अरे मिक्सर लाओ, मिक्सर मिक्स करना है, वही तो आपका मिक्सर जो मशीन है वही मिक्सिंग करने वाला है, ठीक है। तो लेकिन बैच मिक्सर क्या हो गया कि जिसमें हम लोग वेट माप के जो मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारा होता है बैच मिक्सर, मतलब उसमें वजन नाप के मिक्स करना है, वो हमारा क्या होता है, बैच मिक्सर होता है, क्लियर है। तो बाबू उसका डेफिनेशन लिखिए, बैच मिक्सर का लिखिएगा, कंक्रीट मिक्स ऑब्टेंड बाय दिस मिक्सचर
ओनली वेट नहीं बाबू, बैच मिक्सचर का हालांकि मतलब नहीं होगा ओनली वेट, बैच का मतलब उसमें दोनों हो जाता है, वॉल्यूम भी आ जाएगा वेट भी आ जाएगा, लेकिन लेकिन है नॉमिनल मिक्स रहता है, नॉमिनल मिक्स रहता है जो M20 करते हैं, इसमें हो जाता है वॉल्यूम मिक्सिंग करते हैं वॉल्यूम के लिए, और डिजाइन मिक्स हो जाता है DISG डिजाइन मिक्स हो जाता है जो इसमें M20 से ऊपर यानी 25 से करते हैं, इसमें करते हैं वेट मिक्सिंग करते हैं, वॉल्यूम मिक्सर छोटा प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम भी हो जाता है बाबू, बिल्कुल सही है। तो वे तो लिखिएगा कंक्रीट मिक्स ऑब्टेंड बाय दिस मिक्सचर इज कलेक्टेड कंक्रीट मिक्स ऑब्टेंड बाय दिस मिक्सचर इज कलेक्टेड बाय दिस मिक्सचर बैच बाय बैच एंड टाइम बाय टाइम मतलब बैच बाय बैच मतलब अलग अलग सेपरेट बैच से हम लोग वजन मापते हैं, वजन हालांकि हम लोग नापते हैं, वजन थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, नापते हैं और समय समय पे करते हैं, ठीक है। टाइम बाय टाइम इज कॉल्ड बैच मिक्सचर। अब हम तो ये बाबू बैच मिक्सर समझ में आ गया, बैच मिक्सर किसको बोलते हैं जिसमें हम लोग टाइमली हम लोग मतलब समय समय पे और आप क्या करते हैं नापते हैं जिस मिक्सचर नापते हैं, समझ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं बैच मिक्सचर, समझ रहे। जैसे इसके एग्जांपल सब तो बहुत सारा हम लेने वाले हैं। अब उसमें देखिए तो बैच मिक्सचर हमारा हो जाता है, बैच मिक्सचर हो जाता है दो टाइप का, यानी नापने वाला जो यंत्र है, नापने वाला जो डिवाइस है, कौन सा नापने वाला मतलब बैचिंग करने मतलब वजन के नाप के मिक्सिंग करने वाला जो मशीन है वो दो टाइप का हो सकता है हमारा। एक हो सकता है क्या है, एक ड्रम टाइप का हो सकता है, ड्रम टाइप ये सॉरी बैच मिक्सिंग हमारा दो टाइप का होता है, ड्रम हो सकता है और पैन हो सकता है। ड्रम और पैन सिंपल सी बात है बाबू, ड्रम में क्या रहेगा, ड्रम में रहेगा सिलिंड्रिकल रहेगा, समझ रहे, सिलिंड्रिकल सॉरी इसमें सिलिंड्रिकल रहेगा, इसमें कोनिकल रहेगा, इस टाइप से इसका शेप रहेगा। इसमें ड्रम टाइप का है मींस दो कोन शेप का कह सकते हैं, या इसको फ्रस्टम शेप बोलते हैं, फ्रस्टम भी बोलते हैं, ये फ्रस्टम शेप हो गया। इसमें रहेगा सिर्फ आपका सिलिंड्रिकल रहेगा इस टाइप से, हम आपको बेहतरीन एग्जांपल बताएंगे, आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करते हैं बैच मिक्सर को दो टाइप से, कौन कौन सा हो गया बाबू, एक ड्रम मिक्सर हो गया और दूसरा क्या हो, पैन होता है। तो पहले एक रफ आइडिया बता देते हैं, इसके बाद आपको फिर हम परिभाषा लिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रम, तो ड्रम टाइप का क्या होता है, ठीक है, ड्रम क्या होगा, तो ड्रम मतलब हो गया कि एक आपका इस टाइप से आपका सिलिंड्रिकल फ्रस्टम शेप का इस टाइप का आपको ये बनाया गया है, ओके। यानी दो आपको कोन को जोड़ा गया है, एक कोन क्या होता है, आपको एक कोन होता है इस टाइप से कोन होता है, और एक दूसरा कोन इस टाइप से होगा इस टाइप से, लेकिन ये पूरा कोना ये हटा दिया गया है ऊपर से, हटा किस टाइप से, आपको दो कोन को जोड़ के बनाया गया है, दो कोन के जोड़ा किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे बाबू बता रहे हैं सब, आप टेंशन मत लीजिए, पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे हैं किस ये इसमें क्या है, बस ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन ठीक है पूछते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख, जब हम पूछते हैं ना कोई प्रॉब्लम उस समय आप पूछिएगा तो आपको वहां तक मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगा, हाँ शंकु टाइप का हो तो बोलता था बड़ा बाबू। चलिए बात कर, तो हम कह रहे हैं कि ये ड्रम है, ये दो ड्रम, ये पहले तो समझिए ड्रम टाइप का, हम इस टाइप में जाएंगे तो और भी करेंगे, तो ड्रम टाइप का ये होगा। इसमें क्या होगा, पैन टाइप का, पैन मतलब तो बाबू ऑब्वियसली ड्रम रहता तो इसी में आ जाता है, ड्रम से कुछ अलग होगा, तो ये किस टाइप का है, पैन क्या है, आप चूड़ा भुजाने गए होंगे, देखे होंगे ये सिलिंड्रिकल, ये आपका छोटा इतने ही डेप्थ का रहा होगा और इस टाइप से घूमने वाला होगा, उसका ऐसा कुछ कोनिकल शेप नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर शेप होगा, देखे होंगे उसमें अंदर में घूमते रहता है, देखे हैं, समझ रहे, तो वही है आपका, ये है पैन टाइप है, वही आपका पैन टाइप है जो आपको घुमा रहे हैं, घूम रहा है, वही आपका पैन टाइप का है। आई थिंक समझ में आया,
समझ रहे कैसे होगा, यही है कि इसमें थोड़ा हाइट ज्यादा रहेगा और जो चूरा जो भूजते हैं उसमें है, चूरा जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, कम होता है, उसका डेप्थ कम होता है। क्लियर है? ओके, चलिए हम बात करते हैं ड्रम टैप में। अब क्या होता है ड्रम टैप में, तीन टैप हो गया, टिल्टिंग हो गया, नल टिल्टिंग हो और रिवर्सिंग हो गया। ठीक है, आपका हो गया टिल्टिंग, नल टिल्टिंग और रिवर्सिंग। तो टिल्टिंग मतलब होता है बाबू, इस पर हम सब कहानी लिखाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, हम सब समझाने वाले हैं। सबका कैपेसिटी, किसका कैपेसिटी है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ लिखाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। नहीं समझ आया ड्रम बाबू, ड्रम नहीं समझ आ गया, ये आपको मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, देखिए दिखा दे रहा हूं, ये है ड्रम, ये दिख रहा है, ये है आपका ड्रम है। अब दिख गया होगा ड्रम, दिखा सबको ड्रम, अब रिप्लाई करेंगे ड्रम दिख गया। अब तो प्रॉब्लम नहीं ना किसी को जी, आप ही लोगों के लिए प्रिंट मार के रखे हुए हैं दिखाने के लिए, समझ में आ गया ना? और कुछ पूछना है? यही है आपका ड्रम, गुड। अब दिखाते हैं, हाँ ओके, चलिए बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपका क्या है, एक तो ड्रम हो गया, अब आप समझ में आ गया, कोई पूछे थे बाबू ड्रम समझ में आ गया। दूसरा क्या है, पैन है, इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये पैन सीधा समझिए कि पैन, हाँ पैन मतलब ये समझिए सिर्फ इस टाइप से है, इसमें ड्रम ड्रम शेप नहीं है। ड्रम में क्या था बाबू, या ड्रम यहां दिखा देता हूं, ये ड्रम में क्या है, यहां से कोनिकल हो जा रहा है, ये कोनिकल नहीं होगा, समझिए इतने ही यही पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन रहेगा आपका, तो यही ड्रम वाला पोर्शन होगा, ये होगा सॉरी पैन वाला पोर्शन हो जाएगा। इतने ही अगर पोर्शन से अगर बना दिया जाए, ऊपर पूरे खाली रह जाए, खाली रहेगा तो हम कह देंगे पैन कह देंगे, और ऊपर कोनिकल बना दिए हुए हैं तो हम लोग कहते हैं ड्रम है। क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, घर में यूज करते हैं ऐसा मत बोलिएगा, ये हुआ गलत है, घर में यूज करते हैं ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल, हाँ बाबू सिलिंड्रिकल होगा, बस पैन में सिर्फ सिलिंड्रिकल रहेगा, राइट ओके। चलिए हम बात करते हैं, तो पहले था कंक्रीट बैच मिक्सर का लिखे हैं, अब सब उसमें दीजिए बैच मिक्सर में नंबर वन दीजिएगा ड्रम टैप मिक्सर, ड्रम टैप मिक्सर लिखिएगा इसमें। इन दिस केस ड्रम टैप में लिखिएगा, इन दिस केस इन ग्रेडियंट्स का स्पेलिंग पता होगा, इन ग्रेडियंट्स आर मिक्स्ड बाबू दिखा देते हैं, ठीक है टेंशन मत लीजिए, हम दोनों दिखा रहे हैं। अच्छा पैन का यही फिगर बाबू, यही है पैन का फिगर, सिंपल हम कह रहे हैं ये हटा दीजिए, ऊपर वाला हटा दीजिए, यही हो गया पैन का फिगर हो गया, पैन का फिगर होगा, बस यही वाला ऊपर वाला हटा दीजिए, कोन का हटा दीजिए तो हो गया पैन का फिगर। ओके, हालांकि पैन का भी प्रिंट मारे थे, किधर है, चल नहीं बाबू तो हम कहीं इधर उधर घुस गया है, हम कल दिखाते या हम रात में दिखाते हैं, ठीक है हम दिखा देंगे बाबू टेंशन मत लीजिए, पेन का भी दिखा देंगे। हाँ ओके, चलिए तो हम क्या बोले थे ड्रम का, इन दिस केस इनग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड इन ए ड्रम व्हिच इज एक्चुअली इन डबल कोनिकल फ्रस्टम शेप। इन दिस केस इनग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड इन ए ड्रम व्हिच इज एक्चुअली इन डबल कोनिकल फ्रस्टम डबल कोनिकल फ्रस्टम। तो बाबू वो भी था आपका और ये भी था, मतलब कम से कम एक ठो तो जह रहेगा, ओके एक ठो रहेगा, एक आपका कोनिकल रहेगा, ओके। तो किसी किसी में डबल भी रहता है, किसी में डबल भी रहता है और सिंगल भी रहता है, तो इस टाइप का हम लोग कहते हैं।
एक बार और बोल दें, इन दिस केस इनग्रेडियंट्स आर मिक्स्ड इन ए ड्रम व्हिच इज एक्चुअली इन डबल कोनिकल फ्रस्टम शेप। अब लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ड्रम टाइप मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर वन में टिल्टिंग टाइप, नंबर टू में नॉन टिल्टिंग टाइप और नंबर थ्री में रिवर्सिंग टाइप। नंबर वन में क्या लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करके लिखिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग टाइप और क्या हो गया, रिवर्सिंग टाइप। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग दीजिएगा टिल्टिंग टाइप। बहुत शॉर्ट में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। ठीक है बाबू, अच्छा लग रहा, पढ़ाई समझ में आ रहा सबको? रिपीट सर। अच्छा, हम कहें फिर बाबू बताते हैं कि इन डबल टाइप मिक्सचर का हम लोग परिभाषा बता रहे थे, उसमें बल परिभाषा ने उसके बारे में लिखा रहे थे। इन दिस केस इनग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड इन ए ड्रम व्हिच इज एक्चुअली इन डबल कोनिकल फ्रस्टम शेप। बाबू जो कोई लिखे भी होंगे ना, अगर परिभाषा सब लिखी है तो आप लोग थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, कोई लिखिएगा आप शेयर कर दीजिएगा, डबल थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकता है सब चीज में, ठीक है। हम अब हम बात करते हैं बाबू टिल्टिंग टाइप। तो सबसे पहले लिखिएगा टिल्टिंग टाइप, ठीक है। टिल्टिंग, आप सिर्फ टिल्टिंग लिखिएगा, मैं समझा रहा उधर लिख रहा हूं बट आपको लिखना नहीं है। TILTING नॉन टिल्टिंग टाइप। तो टिल्टिंग और नॉन टिल्टिंग हम बताते हैं आपको क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए किसको बोलते हैं, हाँ टिल्टिंग। तो बाबू आप जानते हैं टिल्ट मींस होता है झुकना, टिल्ट मींस होता है झुकना, आप लिख लीजिएगा टिल्ट मींस होता है झुकना, TILT, टिल्ट मींस झुकना। तो जिसको आप झुका सकते हैं, तो आपने आप बहुत ही कॉमन ये टिल्टिंग टाइप सभी को देखे होंगे, टिल्टिंग आप सभी को देखे होंगे, हाँ टिल्टिंग, ये वाला जो फिगर है टिल्टिंग, समझ रहे हैं, ये वाला फिगर है, देखिए टिल्टिंग टाइप है, इसी से मैं सबको दिखा रहा हूं, आप समझ में आ जाएगा। क्लासिफाइड करना है सर, हाँ बाबू क्लासिफाइड करना है, ये दिख रहा है कि थोड़ा और नजदीक में ले जाऊं, देखिए समझ में आ रहा है टिल्टिंग टाइप, दिख रहा है, यस सर। तो बाबू अब बता रहा हूं यहां क्या हो रहा है सबका, यहां से देखिए इसको बोलते हैं हॉपर, यह है हमारा हॉपर, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉपर, यह हमारा हॉपर है, यह हमारा क्या है, ड्रम है, ये ड्रम है, और यहां नीचे में हैंडल लगा हुआ, मतलब ये आपका जो बाइक में निकल फोर व्हीलर में जो हैंडल रहता है उसको स्टेयरिंग बोलते हैं, ये हमारा सर्कुलर स्टेयरिंग है। लाइट नहीं आ रहा। अब देखिए आ जाएगा,
तो देखिए ये हमारा है स्टेरिंग है, हैंडल है जो कंट्रोल करने के लिए हो जाता है। ये है हमारा क्या है, ये है आपका कोनिकल है, फ्रस्टम है जो है, ड्रम है। ये हमारा हॉपर है, हॉपर है। इस साइड में आपका मशीन जो लगा रहता है, जनरेटर टाइप का जो चलते रहता है, मशीन रहता है वो इस टाइप से रहता है और इसके फीता से यहाँ अटैच रहता है। तो आप देखे होंगे इसी के लिए कोई बंदा, एक लड़का था बोल रहे थे सर गांव में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रोटेट करने के लिए। हाँ रोटेट करने के लिए बाबू, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो ये तो आप बहुत देखे होंगे कहीं भी, जहां देखे होंगे, जैसे आप उधर पहले बोल रहे थे कि एक लड़का बोल रहे थे सर कि घर में घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही है रोटेटिंग। तो क्या हो जाता है कि देखिए सर, इसको हॉपर बोलते हैं, हॉपर हॉपर बोलते हैं, याद रखिए हॉपर, HOPPER, हॉपर। हालांकि हॉपर कुछ अलग भी और भी होता है, लेकिन हम यहाँ इसको भी हॉपर बोल रहे हैं, सब सुनिएगा टेक्निकल टर्म हॉपर। तो क्या होता है, पहले हम इसमें सब मटेरियल हम लोग डाल देते हैं, समझ रहे हैं, इसमें इस हॉपर मतलब हॉपर समझिए कुछ इस टाइप से है, हॉपर है मतलब हमको मुंह में हमको मटेरियल लेना है, इनहेल करना है, कंक्रीट हमारे माउथ में जाएगा इस तरह। लेकिन उससे पहले क्या होगा, हमको क्या करते हैं, यहाँ इस तरह से हॉपर बना हुआ है, इस टाइप से निकला हुआ है, इसमें हम लोग इस टाइप से बना हुआ है, इसमें क्या होता है सब मटेरियल डालना है। तो जिस प्रोपोर्शन में डालना है उस प्रोपोर्शन में सब कुछ पहले आप क्या डाल दीजिए, हाँ ये याद रखिएगा, पहले पानी मत डालिएगा, पानी डालिएगा सीमेंट डालिएगा तो गए, पहले सिर्फ पानी सबसे लास्ट में डालेंगे, सबसे ध्यान दीजिए उस समय, सबसे पहले एग्रीगेट डालेगा, कोर्स एग्रीगेट डालेगा, कोर्स एग्रीगेट के बाद क्या डालेगा, इसके बाद उसमें सीमेंट बालू डालेगा, फाइन एग्रीगेट डालेगा, फाइन एग्रीगेट के बाद सीमेंट, और सीमेंट के बाद पानी, क्योंकि आप सीमेंट डाल दीजिए पहले तो पता चला 10 मिनट उसी में टाइम स्पेंड हो गया, तो वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम 10 मिनट उसे भी खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग इसमें हम लोग हाँ इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको सीमेंट लास्ट में डालते हैं, इसके बाद सीमेंट के बाद जस्ट पानी डाल देते हैं, तो अब इसको क्या होता है वो ऐसे उठा देगा उसको, उसमें दो ठो आपका मशीन से लगा रहता है घुमाने वाला, आप रोटेट करेंगे वो अपने आप यहां से ऐसे जस्ट ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे आपका मतलब मूवमेंट कर जाएगा, तो वो आपका उसके फीडिंग हो जाएगा, मतलब जो ड्रम है उसके माउथ में सारा इंग्रेडिएंट चल जाएगा, उसको बोलते हैं फीडिंग होना। तो फीड हो गया, क्लियर है, फीड हो गया। यूज हॉपर, हाँ जिसमें धन क्या कहते हैं, हाँ हाँ बाबू सही बोले हैं, वही है आपका जो गांव में भी है, देखेगा बड़ा, अब तो नहीं होता, पुराने जमाना में इस टाइप के लकड़ी का बना होता था, लकड़ी का इस टाइप से बनाते थे, इस टाइप से बनाते थे, तो भी तो होता था आपको, सिलिंड्रिकल शेप का होता था, ड्रम शेप का होता था, और उसमें हम लोग रखने के लिए फर्स्टम हॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं हॉपर से हम लोग उसमें रख, क्योंकि लेकिन कहेगा सर ऐसा तो हम देखे नहीं कभी भी, बाबू छोटा प्रोजेक्ट मैंने देखा है, उसमें क्या होता है डायरेक्ट जो मूवमेंट वाला जो मशीन रहता है ना उसी में सब कुछ फिट करवाते हैं, कि चलो चार तगारी एग्रीगेट डाल दो, कोर्स एग्रीगेट डाल दो, फाइन एग्रीगेट डाल दो, सब ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन होता है थोड़ा आप स्टैंड उसमें से क्या हो सब निकाल देता है, लेकिन स्टैंडर्ड ढंग से रहेगा उसमें सब वो लगा हुआ रहता है हॉपर, क्लियर है, हॉपर लगा हुआ रहेगा तो उससे हो जाए। तो अब क्या करते हैं नन टिल्टिंग टैप, तो नन टिल्टिंग टैप क्या होता है, जब उसको आप घुमाएंगे, आप उसको जस्ट घुमाएंगे तो एक तो जैसे इस साइड अगर उसको हम लोग माउथ को ऐसे करते हैं, उसको घुमाते हैं तो उसका माउथ इस साइड आ जाता है, ठीक है, और हॉपर इस साइड आपका है, तो उसमें सब कुछ रखते हैं। तो आदमी जो है, जो मैन लेबर है, वो इसमें आके हॉपर में सारा डाल रहा है मटेरियल, और जब मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसमें आ जाता है, इसके बाद उसको हम लोग फीड कर देते हैं, किसमें कर देते हैं, आपका ड्रम में आ जाता है, और ड्रम फिर इसको ड्रम को फिर जब पूरा रिक्वायर आ गया तो इसके बाद वर्टिकल एक्सिस पे मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग वो चक्कर घूमते रहता है, ठीक है, वो घूमेगा और फिर रिक्वायर्ड टाइम तक जितना जरूरी है टाइम उतने टाइम मिक्सिंग होने देते हैं, और उसके अपोजिट साइड हम लोग क्या करते हैं डिस्चार्ज करते हैं, मतलब चार्ज इस साइड किए, डिस्चार्ज इस साइड किए, क्लियर है, चार्ज हम इस साइड कर रहे हैं, डिस्चार्ज हम दूसरे साइड कर रहे हैं। तो यही है टिल्टिंग टैप, टिल्टिंग टैप का मतलब टिल्ट कर सकते हैं, झुका सकते हैं। तो बाबू इसमें फिक्स हो गया, आपका क्या होगा, आपका चार्जिंग एक साइड होगा, डिस्चार्जिंग क्या होगा दूसरे साइड होगा, ओके, ये चीज होता रहता है। तो यही है टिल्टिंग का, इतने ही है टिल्टिंग में। दूसरा क्या है नन टिल्टिंग, नन टिल्टिंग में क्या है, ये सुविधा आपको नहीं रहेगा, उसमें आप फिट नहीं कर सकते, उसमें हाँ हॉपर रहेगा, समझ रहे हैं, उसमें हॉपर रहेगा, उसमें फिट कर। तो इसमें क्या होता है टिल्टिंग में क्या होता है
कि जो एक ही साइड से फीड कर सकते हैं, यानी फीडिंग के लिए भी एक ही माउथ है और डिस्चार्जिंग के लिए भी एक ही माउथ है, जबकि नॉन टिल्टिंग में क्या होता है, टिल्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो फीडिंग के लिए मतलब अलग माउथ, मतलब उसमें दो माउथ रहेगा, दोनों साइड से रहेगा, फीडिंग इस साइड से कर रहे हैं, डिस्चार्ज इस साइड से हो रहा है, फीडिंग इस साइड से कर रहे हैं, डिस्चार्ज इस साइड से हो रहा है। तो उसमें हम लोग ऐसे करते हैं, उसमें नॉन टिल्टिंग मतलब फिक्स पोजीशन पे घूम रहा है और वो सिलेंड्रिकल इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। फिर हम अंदर से करेंगे, मतलब आप चार्जिंग करेंगे और उधर से डिस्चार्जिंग होगा, क्लियर है। हालांकि डिस्चार्जिंग ऐसा इस प्रॉपर हाइट पे रहता है तो डिस्चार्जिंग डायरेक्ट आप नहीं गिरा सकते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं सूट, CHUT सूट बोलते हैं, जिससे हम उसको फॉल करवाते हैं। आप डायरेक्ट फॉल नहीं कराएंगे क्योंकि 1.5 मीटर से अधिक हाइट से आप किसी कंक्रीट को फॉल नहीं करवा सकते हैं। तो हम कर रहे हैं नॉन टिल्टिंग में क्या हो गया, इस साइड से एक साइड से आपने चार्ज करवा, हॉपर में रख के चार्ज करवा दिए और दूसरे माउथ से क्या कर देते हैं हम लोग, डिस्चार्ज करवा देते हैं। मोस्टली कौन सा यूज करते हैं ये डिपेंड करता है बाबू प्रोजेक्ट पे, वो सब हम लिखाने वाले हैं, आपको खुद दिखाने वाले हैं। आपको समझ में आ गया यहां तक बताए बाबू, पूरे अरेंजमेंट समझ में आ गया, तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये चीज है आपका, ये चीज है, ये है टिल्टिंग टैप, जैसे हम इसको देखते हैं स्टेडिंग है, यहाँ इस समय फीड हो रहा है, फीडिंग कंडीशन में यहाँ फीड हो रहा है, जैसे फीड हो जाएगा और मिक्सिंग हो जाएगा तो उसको इसके अपोजिट साइड से फीड होगा, उसके अपोजिट साइड हम इसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, उसके अपोजिट साइड हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। संदीप रिवॉल्व दिक्कत होना ठीक है, तो जिस समय इस समय इस साइड से फीडिंग होगा उसके अपोजिट साइड क्या होगा, डिस्चार्ज, उसके अपोजिट साइड क्या होगा आपका, डिस्चार्ज होगा। इसमें ये चीज है, टिल्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए ये अब देखिए डायग्राम, इसमें क्या है, हॉपर इसमें भी रहेगा, फीडिंग के लिए साइड है और ये बाहर निकलने डिस्चार्जिंग के लिए है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये फीडिंग करने के लिए, ये डिस्चार्जिंग करने के लिए है। हाँ बिल्कुल, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, देखिए ना ये दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, खुद यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है रुक के चला देखिए बाबू। तो यहाँ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जबकि नॉन टिल्टिंग में आपको हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, नॉन टिल्टिंग में रुक जा रहा है, यहाँ रुक रहा है, दोनों को रुक रहा है, यहाँ ठीक है, ठीक। नॉन टिल्टिंग में बाबू, नॉन टिल्टिंग में क्या है, हॉरिजॉन्टल में रहेगा, जबकि टिल्टिंग में किसी भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया, बस हमको लिखाना है पॉइंट लिखाना है, समझ में आ गया, पॉइंट लिखाना है। ए बहुत लोग बोला, रुकने लगा सर, क्या करें, बहुत दूर लोग बोल रहे हैं, रुक रहा है सब, तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट, तो फिर नया वीडियो आ जाएगा, तो चल ही रहा था लेकिन रुक रहा था, उससे रुके ना, पासवर्ड तो दे रहा था दूसरे को, रुक रहा है सर वीडियो, सर वीडियो रुक रहा है, पौने पाँच हो गया, रहते हैं लेकिन हैं 10 बजे बुलाते हैं सब रात में, 10:30 हाँ 10:30 बजे से, हाँ लेंगे लंबा लेंगे, क्या ग्रेजुएशन कर लीजिए, हैं ठीक है सर, वाला प्राइवेट नहीं कीजिए, हाँ बाबू वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, ऐसा करें कि आप लोगों को रात में लें जी, रात में लें, आप लोग रिप्लाई कीजिए, रात में ले लें आप लोगों का, रात में ले ले क्लास, नाइट में क्लास लिया जाए, हाँ नाइट में ले लेते हैं क्लास, हाँ लंबा क्लासेस नाइट में, चल कितने बजे से तो अपने बच्चे को थोड़ा दिन में कर लेंगे, रुक रहा है थोड़ा करके, सब वैसे सर बोलो नाइट, तो 10:30 बजे डालते हैं, अपने बच्चे को 8 बजे ले लेते हैं,
एक घंटा में लेके दूंगा। आप एक घंटा फोन को क्यों ना करना, तो 10:30 से लीजिए ना बाबू, 10:30 बजे ठीक है, डन रखते हैं 10:30 बजे, 10:30 बजे ठीक है, से 1:30 बजे तक चलेगा, 10:30 बजे से डन कीजिए आप लोग, डन कीजिए 10:30 बजे से 1:30-2 बजे तक चलेगा ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, सब रिप्लाई कर दीजिए। और एक चीज कर दीजिए बाबू, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दिए हैं सबको लाइक कर दिए है ना, सबको सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन सब प्रेस कर लिया ना बाबू आप लोग। हाँ चलिए, हाँ 1 बजे क्या बाबू, पूरा जहां तक हो जब तक है जान, सीधे कहावत है ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना बाबू आप लोग क्लास। और एक अनाउंसमेंट है वो रात में बताएंगे आप लोगों को, एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है हम रात में बताएंगे, एक और बताए थे कि आप लोगों से हम एक और बहुत एक अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, रात में अब आप लोगों को हम मिलाएंगे बात कराएंगे ठीक है, एक न्यू फैकल्टी से मिलाएंगे बात करवाएंगे और आपको बताएंगे, और भी कुछ हम पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट के अलावा, गड़बड़ हो रहा है। ओके सर, यस सर, सब बोल सर, 28 जून 12 लाइक है, ये तो गलत है सर। अभी हाँ हम कोशिश करते हैं ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम नाइट में ही लेंगे आप लोगों को, दिन में दिक्कत होता है या मॉर्निंग में फिर हम करेंगे, उस तरह हम आपको शेड्यूल हम डाल देंगे ठीक है बाबू, जो भी हो हम आपको ढंग से पढ़ा के खत्म करेंगे। ओके, ये चूंकि स्टार्टिंग था तो मुझे लगा कि सर दिन में हो सकता है, इसीलिए हम लोग सब नाइट में मिलेंगे ठीक है। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं रात में, हाँ 10:30 बजे। हम और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़वाएंगे आप लोगों को, बहुत ही धांसू बहुत अच्छे फैकल्टी से मिलवाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन। आप क्या याद रखिएगा कि सर ने, आशुतोष सर ने क्या हेल्प किए हैं और क्या आपको अच्छे नंबर के लिए आपको कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक और हम सर से आपको मिलाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से वो पढ़ाएंगे ठीक है। ओके, बस आप लोगों से यही है बाबू कि आप दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए, आप जो आपको जो मिल रहा है दूसरे लोगों को भी आपको इन्वॉल्व करिए, बस इतना ही और कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं रात में। ओके चलने लगा था ठीक।